गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि भामटा व्लॉग। और इस टाइम शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो हम जा रहे हैं पारदरकोटी। आज हमारे जो भोटा मासू महाराज है उनका जागरा भी है, तो इस वजह से साल में एक बार होता है, तो हम सब वहीं जा रहे हैं दरकोटी। और जो हमारे जो देवता जी है, ये 4 भाई हैं, बाशिक महाराज, भोटा मासू, पवासी महाराज और चालदा महाराज। तो ये 4 भाई है, ये अलग अलग जगह पे स्थित है। और चलो मैं शाम को आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हमारा फंक्शन कैसे रहता है। तो वो मैं हो गई हूँ रेडी, तो बस अब भाई और मम्मा का वेट हो रहा है, कब जैसे वो रेडी हो जाए फिर हम जाएंगे यहाँ से गाष्टा से फिर भाई के साथ जाएंगे पारदरकोटी तक गाड़ी में। तो उस टाइम तक हमारे को रात भी हो जाएगी, क्योंकि अभी 5:30 बज चुके हैं। तो मैं रात को शायद देखती हूँ रात को व्लॉग अपलोड कर दूँ या फिर कल सुबह ही अपलोड करूँगी। और पापा तो वैसे भी पिछले कल ही चले गए थे, क्योंकि पापा भोटा मासू के माली है, तो पापा का जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो पापा पिछले कल ही चले गए हैं, और उनको वैसे भी मंदिर में रात लगानी पड़ती है, और भी लोग होते हैं वहाँ रात लगाने के लिए, तो ज़रूरी होता है ये चीज़ें। और आज देखते हैं, आपको हम अपना फंक्शन दिखाएंगे कि कैसा फंक्शन होता है हमारा। जो मंदिर है वो भोटा मासू का, वो उत्तराखंड में है, तो हनोल उस जगह का नाम है। हनोल भी जाएंगे, जिस टाइम जाऊंगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। हनोल आपको पता है, भोटा मासू का जो मंदिर है वो 5वां धाम बन चुका है, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। और चलो अभी मम्मा पापा को भैया को देखते हैं, ज़रा पापा की याद आ गई, पर मम्मा और भाई रेडी हुए हैं कि नहीं हुए उनको देखने चलते हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो चुका है, बस बारिश नहीं आनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ सही है। और अब हम निकल चुके हैं दरकोटी के लिए, और अंधेरा भी हो गया है। बस यहाँ से गाष्टा से अप्रॉक्स हमारे को 10-15 मिनट ही लगेंगे दरकोटी जाने के लिए। और दरकोटी एक्चुअल में मेरे पापा का घर है वहाँ पर हम सेटल हुए हुए हैं कहीं और, क्योंकि जहाँ हमारा बगीचा है तो हम उधर ही सेटल हो गए थे। और कभी कभार हम चले जाते हैं दरकोटी। बस हम अब पहुंचने वाले हैं, अभी मैं बताती हूँ हमारे कहाँ जाना है। जो ये सामने लाइट्स दिख रही है बहुत सारी, वहाँ से थोड़ा सा नीचे को जाना है बीच में, वहाँ तक अब हमारे को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और लो जी, मंदिर के दर्शन करवा दिए आपको, और हम भी पहुँच गए थे मंदिर, और सब लोग भी आ गए हैं। बस अब थोड़ी देर में आरती भी स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ा बहुत हमारा जो फंक्शन होता है, देवता जी बाहर निकलते हैं, तो फिर दर्शन भी करवा दूंगी मैं आपको। अब सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि जो महासू देवता जी का चिन्ह है वो अब बाहर निकलने वाले हैं। तो फिर अभी जो महासू देवता का बेटसू होता है तो वो लोग आएंगे, और अभी आपको हम दर्शन करवाते हैं। Oh
और जो आपको मंदिर के पास दिख रहे हैं देवता जी का चिन्ह लेकर, वो मेरे पापा हैं। आगे को कुछ नहीं आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये तो लंबी है। आप और अब पूजा स्टार्ट हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम खाए थे हम लोग, I don't know.